Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please support. Bismillahirrahmanirrahim. इस वीडियो में हम आपके साथ MS Office यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MCUs शेयर करेंगे. यह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जो टॉपिक होंगे प्लेलिस्ट में वो MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS होगी. ये मुख्तलिफ वीडियोस होंगे, इसमें आपको मुख्तलिफ़ MCQs मिलेंगे. और इस वीडियो में हम आपके साथ MS Office के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करने वाले हैं जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जो टेस्टर में आया करते हैं. और हम तो प्रीवियस जो कि एग्ज़ाम्स में या टेस्टों में आए हैं वो ही हैं. अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. चलो स्टार्ट करते हैं. हम अब पहला जो है हमारा MCQs MS Office का वो है कि स्टार्टिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 वो फोटो एडिटर वॉज रीनेम्ड. ये एक IQ क्वेश्चन है कि कोई ऑप्शन भी नहीं है. दूसरा, अगर सारे जिससे आपको MCQs में ऑप्शन दिए गए हैं तो फिर वो ही करेक्ट होता है. ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन है वो ये फोटो मैनेजर. सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, इज माइक्रोसॉफ्ट वर्क इज द पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट. क्या ये पार्ट है? यस है, नो है, बोथ है, नन ऑफ दीज. ठीक है, कौन सा जो इसमें ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा? सो ये पार्ट नहीं है, नो. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ फ्यूचर ऑफ MS ऑफिस दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स इज कॉल्ड सेव, सेव एज, ऑटो सेव, बैकअप. सो इन चार ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है हमारे में? वो है ऑटो सेव ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज द HTML एडिटर दैट वाज द पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अंटिल 2003? वेब पेज है, एक्सप्लोरर है, फ्रंट पेज है, ड्रीम वेयर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो है फ्रंट पेज. क्वेश्चन नंबर फाइव है कि विच फीचर इज यूज्ड टू मेक अ सिलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल द कैपिटल लेटर्स और ऑल द स्मॉल लेटर्स. कौन सा हम फ्यूचर इसमें यूज़ करेंगे? चेंज लेटर्स करेंगे, चेंज सेंटेंस करेंगे, चेंज केस करेंगे या चेंज वर्ड्स. हम चेंज केस करेंगे तो ये सारे हो जाते हैं. और सिक्स नंबर है, विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इसमें कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है जब ये पहला वर्जन आया था? पेंट, पावर पॉइंट, आउटलुक, MS Word, तो आउटलुक. सेवन नंबर है, टू गो अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट्स वी यूज. तो देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. पहला, टेबल कंटेंट्स, हाइपर टेक्स्ट, बुक मार्क, मैक्रो. सो इस चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा करेक्ट है ऑप्शन? वो है बुक मार्क. आठवां नंबर है, ऑफिस 365 इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर कोड एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड बट वेन डिड इट डिब्यूट. सो 2008 में आई, 2010 में, 11 में या 14 में आई? सो 2011 ऑफिस है. नवा है, विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल रीज़न टू यूज़ मैक्रो इन द MS ऑफिस? वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या कोई और हो, कौन सा इसमें जो है वो मैक्रो यानी सुटेबल है? तो रिकॉर्ड साउंड, तो ऑटोमेटिकली रिपीटिव टास्क, तो ऑटोमेटिक रिपीटिव टास्क सही है. टेन नंबर है, सबक्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो आर नॉन एज. ठीक है, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन में? फॉन्ट फेस है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट फॉर्मेट. सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा हमारा? वो है फॉन्ट इफेक्ट. 11 नंबर है हमारा, कैन वी एडिट अ मैक्रो प्रोग्रामेटिकली आफ्टर अ रिकॉर्डिंग इट? क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं, येस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं, बोथ कर सकते हैं, या इसमें कोई ऑप्शन नहीं है? सो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? हाँ, बिल्कुल हम इसको एडिट कर सकते हैं. 12 नंबर है, वी कैन स्टार्ट MS Word बाय टाइपिंग डैश इन द रन
डायलॉग बॉक्स। ऑप्शंस हैं विंडो विनवर्ड डॉट ई एक्स, वर्ड डॉट ई एक्स ई, एम एस वर्ड डॉट ई एक्स ई या डॉक्स डॉट ई एक्स ई। कौन सा करेक्ट है? वो विंडो डॉट ई एक्स ई। 13 ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर हु हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इज कॉल्ड एम ओ एस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एम ओ एस? आपको ये सिंपल सा ही पूछ सकते हैं कि एम ओ एस का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट और सुपीरियर स्पेशलिस्ट ई स्पेशल, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है नेम द एप्लीकेशन अंडर द एम एस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट बंडल दैट वी यूज टू क्रिएट आइडो विजुअल प्रेजेंटेशन। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या से, सो एम एस पावर पॉइंट होगा। 15 नंबर है कैन वी असाइन अ कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ आवर चॉइस टू अ माइक्रो। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? नो, येस, बोथ या नन ऑफ दीज। सारे ऑप्शन देखेंगे तो जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो बिल्कुल येस कर सकते हैं हम। 16 नंबर है व्हिच वन इज़ द स्प्रेडशीट एप्लीकेशन दैट कम्स विथ एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप। सो कौन सा करेक्ट होगा? वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट असिस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा एम एस एक्सेल होगा। 17 ए वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू, किस पे हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं? सेल पे, पैराग्राफ पे, टेबल पे या हम सब पे, ऑल ऑफ दीज, हम सब पे जो हैं वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वो हमारा ऑल ऑफ दीज, हम सब पे बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 नंबर है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। कौन सी शॉर्टकट हम यूज़ करें तो ओपन ओपन डायलॉग बॉक्स ऑन होगा? सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा अल्ट प्लस F12 होगा। 19 नंबर है यू कैन नॉट क्लोज एम एस ऑफिस एप्लीकेशन बाय, ठीक है, तो कौन सा हम इसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे? एग्जिट फ्रॉम फाइल मेन्यू या अल्ट F4 या बटन यूज़ करेंगे, क्लोज फाइल मेन्यू करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्लोज फ्रॉम फाइल मेन्यू करेंगे। 20 बाय डिफ़ॉल्ट फूटर आर प्रिंटेड ऑन डैश, फर्स्ट पेज पे, लास्ट पेज पे, ऑल पेजेस पे, इवन पेज पे। सो कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे लिए करेक्ट हो सकता है? सो बिल्कुल ऑल पेजेस पे जो है फूटर प्रिंटेड हो सकते हैं। 21 है द ऑप्शन पोर्ट्रेटिक एंड लैंडस्केप कम्स अंडर डैश। सो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पेपर साइज, पेपर ओरिएंटेशन, पेपर लेआउट, पेपर रोटेशन, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? वो है पेज ओरिएंटेशन। 22 है व्हिच शॉर्टकट मेक सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक, कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाएगी, कंट्रोल आई, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस या कंट्रोल बी, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है? वो है कंट्रोल प्लस आई करेंगे इटैलिक हो जाएंगे। 23 है व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। सो इसमें कौन सा हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे, अलर्ट इंटर करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे या Fn इंटर करेंगे, सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? वो शिफ्ट प्लस इंटर करेंगे वो करेक्ट है। 24 है द नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज द पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सूट। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है? एम एस वर्ड, एम एस एसेस, एम एस पावर पॉइंट या एम एस एक्सेल। जो इसमें करेक्ट हो सकता है वो एम एस एसेस हो सकता है। 25 है व्हिच मेन्यू ग्रुप विल वी यूज इफ वी वांट टू चेंज द टाइप फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, टूल्स कर सकते हैं, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? वो है फॉर्मेट। 26 है वी हैव कॉपीड एन इमेज फ्राम वन डॉक्यूमेंट्स, नाउ व्हिच शॉर्टकट विल यूज टू पेस्ट एन अदर डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है हम कॉपी के लिए सी यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए हम
कंट्रोल प्रेस वी करते हैं, वो कॉपी हो या टेक्स्ट हो वो उधर पेस्ट हो जाए, वो कंट्रोल प्रेस वी ऑप्शन करेक्ट है। विच डज 27 है, विच डज द फंक्शन की F12 डू व्हेन वी आर यूजिंग MS ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ETC। सो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो सकता है हमारे लिए। सो ऑप्शन नंबर है ओपन सेव एज अ डायलॉग बॉक्स। 28 इज सपोज देयर इज अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट दैट इज बोल्ड रेड इन कलर विच इज ग्रीन बैकग्राउंड, वी वॉन्ट टू अप्लाई ऑल ऑफ दीज फॉर्मेटिंग टू एन अदर प्रोग्राम इन वन गो अदर ऑप्शन। सो कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो सकता है हमारे लिए, वो है फॉर्मेटिंग। 29 नेम द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कम्स विथ द MS ऑफिस, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और MS पेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है इसमें, MS वर्ड करेक्ट हो सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल भी ईजी है, आपको समझ आ जाएंगे। 30 गटर मर्जन इज यूज्ड, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है, हो सकता है वो जो है एड स्पेस टू अ बिल्डिंग। 31 है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट पेज ब्रेक इन द MS वर्ड। सो कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, स्पेस प्लस इंटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस एंटर करेक्ट होगा। 32 ए वी कैन कीप अ मल्टीपल वर्जन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल फाइल बाय यूजिंग दिस फीचर। सो ऑप्शन देखेंगे, वर्जन चेंज होगा, एडिट चेंज होगा, ट्रैक चेंज होगा या ट्रेस चेंज होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, वो है ट्रैक चेंज। 33 है वो शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट इंटायर टेक्स्ट, ठीक है कौन सी काम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो कंट्रोल प्लस ए करेंगे वो सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए करेक्ट है। 34 है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सर्च फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक ऑन अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है तो कौन सा मिस्टेक्स हैं और ढूंढ सकते हैं कौन सी की इस्तेमाल करके, फंक्शन की 2, फंक्शन की 5, फंक्शन की 9, तो फंक्शन की 7 जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 35 है विच वन ऑफ दीज इज अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल, कौन सा वैलिड फॉन्ट स्टाइल होता है, तो सबस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट रेगुलर स्ट्राइक थ्रो। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, वो रेगुलर जो होता है वो करेक्ट होता है। 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, इसमें कौन सा जो है वो वैलिड वर्जन ऑफ ऑफिस नहीं है, ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007, ऑफिस 97 टू 2003, कौन सा है वो ऑफिस विस्टा है, वो वैलिड वर्जन नहीं है। 37 है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार। सो इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रॉम 8 पेज टू 7, सॉरी इसका 38 देखिए, 38 को गटर मार्जिन कैन बी यूज, ये डिस्कस करें आए हम पहले भी, इसको फिर दोबारा देखें कि गटर मार्जिन कैन बी सेट टू, ऐसे ही क्वेश्चन था तो क्यों ये सेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड टॉप के लिए। अच्छा ये भी इस तरह ही एक विच ऑफ दी फॉलोइंग, 39 है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ अ पेज मार्जिन, राइट लेफ्ट सेंटर या गटर। सो कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है ऑप्शन, वो जो करेक्ट है वो गटर है, ठीक है सेम का ही पूछ रहा है। और 40वां है वी कैन सर्च अ डॉक्यूमेंट्स विथ अ कीवर्ड, कैन वी सर्च टेक्स्ट बाय अ फॉर्मेटिंग, ठीक है तो हम क्या टेक्स्ट को ढूंढ सकते हैं, येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं या बोथ या नन ऑफ दी, सो बिल्कुल हम टेक्स्ट को भी ढूंढ सकते हैं। 21 इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल,
चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट हो सकता है। नॉर्मल व्यू हो सकता है, पेज लेआउट व्यू हो सकता है, प्रिंट लेआउट व्यू हो सकता है, ड्राफ्ट व्यू भी हो सकता है। सो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, वो करेक्ट है प्रिंट लेआउट व्यू। 42 ए पेज प्रोसेसर ऑफ द रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड हैंडिंग, बॉर्डर, क्रॉपिंग, कटिंग। सो कौन सा ऑप्शन इसमें 42 में करेक्ट हो सकता है, वो ऑप्शन है क्रॉपिंग। 43 है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। ठीक है, सेंटर करने के लिए हम कौन सा किसको प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी प्लस सी ए, कंट्रोल प्लस ई। सो कंट्रोल प्लस ई करते हैं सेंटर के लिए शॉर्टकट की है। 44 है द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड स्पेसिंग, गटर, आइडेंटिफिकेशन, अलाइनमेंट। सो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है, वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन। 45 है टेक्स्ट अलाइन फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड इज वर्ड कलर, वर्ड फॉन्ट, वर्ड आर्ट, वर्ड फिल। सो कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है, वो है वर्ड आर्ट। 46 है व्हिच एटम आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो कौन से इसमें ऑप्शन है जो एंड में आता है, फुटर आता है, फुट नोट आता है, एंड नोट आता है, या हेडर आता है। सो कॉमन बात है, कौन सा आएगा एंड में, सो एंड नोट आता है। ठीक है, 47 है टू चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3 या कंट्रोल प्लस 5। कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम, सो कंट्रोल प्लस 5। 48 है अ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, ठीक है, और है सुपर टेक्स्ट, टॉप टेक्स्ट। सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो सुपर स्क्रिप्ट कर। 49 है अ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, सुपर टेक्स्ट एंड टॉप टेक्स्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सो कौन सा, ये दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें, वो है सबस्क्रिप्ट। 50 नंबर रहे, यानी कि लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर एट हेडर, फुटर, बोथ ए एंड बी या नन। सो कौन सा इसमें जो है वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो सकता है, वो बिल्कुल फुटर हो सकता है, हेडर हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइबर कर दें और अपनी कमेंट्स में राय दीजिए ताकि जो नई वाली वीडियोस हैं हम किस तरह उनको चेंज कर सकते हैं या कौन सी हम अपनी समझाने की कोशिश अच्छी करें। बिल्कुल अपनी राय जो कमेंट्स में दीजिए, अगर कोई इस एमसीक्यूस में गलती वगैरह की है तो बिल्कुल वो भी अपने कमेंट्स में लिख दिया, जहाँ कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझना हो इस कंप्यूटर के हवाले से, वो उसका भी अपना कमेंट्स में बिल्कुल लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगो